बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन चाप है ये, हम इसे फ्राई करेंगे, आप देखते रहें। एक गिलास पानी डाला है हमने, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे हम और एक चम्मच नमक डालेंगे। और एक ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसे गैस पे पकाने के लिए रख देते हैं। देखिए हमने चाप गला ली है, बिल्कुल गल गई है अच्छे से। देखिए अब इसके हम इसको तैयार कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तैयार है ये। आधा चम्मच धनिया डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, और आधा ही चम्मच हम नमक डालेंगे, पहले हम डाल चुके थे। और कुछ डालेंगे हम, एक चम्मच डालेंगे हम दही, कुछ तीन चम्मच हम बेसन डाल देंगे। अब इसे कर लेते हैं, थोड़ा एक चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देते हैं, हम मिक्स कर देते हैं, हम फ्राई करने के लिए मिक्स कर लेते हैं। एक ही हमने मसाले मिला लिए हैं अच्छे से, और आधे घंटे के लिए हम इसे मसाले लगा कर छोड़ देंगे। हमने गैस को ऑन कर दिया है और आधा घंटा हो चुका है, अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हो चुकी है, ये देखिए मीडियम आंच पे सेकते रहे थे कुछ देर। एकदम मज़ेदार रेसिपी चाप, मटन चाप। तो व्यूअर्स, आप लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप बताएं कमेंट करके। तो हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। हम इसे भी निकाल लेते हैं, लाइट ब्राउन और चाप लाइटली ब्राउनी हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए चाप परफेक्ट तैयार है।